जो आपको सीधा सीधा दोषी करार दे रहे थे उनका रोजगार छीनने के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो मेरे भाई बंद क्या एक मेरे भाई मेरा जवाब दो ना वो मेरे भाई बंद है आप भी हटा रहे हैं क्या मांग है ना आप लोगों की आपके लिए धरनामा बैठे हैं क्या इतना आज हमारी मांग ये है कि हमें 3 साल से बेरोजगार कर दिया गया है जबकि हमारे हमसे जो सीनियर जूनियर कर्मचारी है उनको रोजगार दिया गया और हमें बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया गया आपको क्या किसने बाहर करा आपको सर लॉकडाउन के समय हमें ब्रेक पर भेज दिया गया था और उसके मतलब कोरोना काल में लॉकडाउन के समय और उसके बाद हमें ड्यूटी नहीं बुलाया गया किन पदों पर काम करते थे आप लोग विभिन्न पदों पर वार्ड बॉय केयर टेकर गार्ड आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो अब आपकी जगह कौन जॉब कर रहे हैं यहाँ पे हमारे जूनियर सर जूनियर हमारे जूनियर हमारे काम कर रहे हैं उनके जो अपने आदमी हैं उनके जो अपने लोग हैं सर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे जिनके अपने पुराने जिसके जहाँ तक जान पहचान थी अपना भाई भतीजवा चला यहाँ पे और कुछ नहीं चला यहाँ पे हम 15-16 साल से ऊपर से नौकरी कर रहे हैं हमें बाहर कर दिया और ये इतने लोग जो ये 20-20 साल कोई 15 साल ये 20 साल से होंगे कम से कम 20 साल से 15 साल मुझे सिक्योरिटी में नौकरी करते हुआ हमें भी बाहर कर दिया गया कि आप 50 साल के हो गए 50 साल का आज तक कहीं कोई रूल है 50 साल का 60 साल होता है ये आउटसोर्सिंग में चला गया पीआरडी में जा रहा है पीआरडी में चल रहा कोई पहले कॉलेज से पूछा जाए 20 साल हमें हो गए यहाँ पे वार्ड वाई के पद में और आपको बाहर कर दिया और आपकी जगह जूनियर को रख लिया इसके क्या कारण दिया गया इसका कि जूनियर को रखने का कारण नहीं है आप लोगों को जान पहचान है और कुछ नहीं मेरा 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 बस यहाँ मेरा मेरा भाई भतीजा चले अपना आदमी डाल दिया अंदर बाहर कह दिया कि ऊपर से पैसा कमा अपने आदमी को तो अंदर सर ये है जिसके अपने आदमी थे उनको रख दिया हम लोगों को बाहर कर दिया हमारा कोई नहीं था हमारा कोई जान पहचान वाले थे इसलिए हमको बाहर कर दिया हम कोई सरकार नौकरी नहीं मांग रहे हम अपना रोजगार मांग रहे हैं जो पहले से काम अब 10-15 साल हो गए सर हम कहाँ जाएंगे बोले इस बेरोजगारी की उम्र में एक तरफ तो सरकार कह रही है पलायन मत करो चंद लोग हम ही तो घर में बैठे जिनके पीछे थोड़ा या गाँव बच्चे हुए पलायन कैसे हो रही हम भी अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में ये जो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज बना है ये आप लोगों की जमीनों पर बना है और बाकी यहाँ सब बाहर गए हैं जो लगे हुए हैं हम सब बाहर हैं हमको बाहर कर रखा है लोकल क्षेत्र के आदमी यहाँ पे सारे का सारे यहाँ पे रोजगार हम लोगों के लिए यहाँ पे आधा किलोमीटर है मेरा घर इतने 16 साल से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ अभी सुबह में क्या आप कहाँ बाहर जाएंगे नौकरी करने के लिए नहीं दिया हमें कोई कागज नहीं दिया कि हम आपको हटा रहे हैं कुछ नहीं दिया इन्होंने हमें कोई कागज नोटिस नहीं दिया कि हम आपको किस वजह से हटा रहे हैं हमें ड्यूटी नहीं दी मिल रही है अच्छा आप लोगों ने इसके बारे में शिकायत करी है कहीं जी बहुत शिकायत है मुख्यमंत्री 3 साल से सर हमें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी को बता दिया है डीएम साहब को बता दिया है 3 साल से एडीएम साहब को बता दिया है हम देहरादून तक गए गरीब लोग गए पैसे इकट्ठे कर गए उन्होंने कहा हो जाएगा यहाँ आए यहाँ कह रहे हैं कि जब ऊपर से ऑर्डर आएगा यहाँ प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं जब ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा और ऊपर वाले को कोई सपना वाला कि इनको जरूरत है यहाँ पे जब ये रिक्वायरमेंट दे तभी तो वो ऊपर वालों को पता चलेगा कि इनको रोजगार चाहिए था डायरेक्टर साहब ने जो है रिक्वायरमेंट भी दे रखी है डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं वाई सिंह सर बोल रहे हैं मैंने रिक्वायरमेंट दे रखी है ऊपर से ऑर्डर आएगा मैं लगा दूंगा सबको ऑर्डर जब आएगा ना पहले सीनियरों को मिलना चाहिए अगर ऑर्डर भी आता है पहले सीनियरिटी मिलनी चाहिए ना जो सीनियर है पहले अभी इन्होंने जूनियरों को लगा रखा हम सीनियरों को बाहर कर दिया तो किसकी मिली भगत है इसमें ये तो सब कॉलेज प्रशासन किया है कॉलेज प्रशासन तो बोलते उस समय से लगाते नहीं 3 साल हो गए उनके पीछे अभी नहीं डायरेक्टर जब से रजिस्ट्रार बने तब से उनके पीछे घूम रहे हैं अब तो प्रिंसिपल में आ गए उनके डायरेक्टर के आने से और भ्रष्टाचार हुआ और ही भ्रष्टाचार समझेंगे जो नया डायरेक्टर आ रखे हैं यही हम ये उनके आने से और ज्यादा भ्रष्टाचार और जो अपने आदमी थे अपना रोजगार था अपने लोगों को उनको रोजगार दे दिया जनता इनको चाहती नहीं है मैं राजेंद्र रावत समाज सेवी स्थानीय निवासी हूँ और यहाँ पे जो ये मामला है आउटसोर्स का जिन आदमी ने 12-15 साल यहाँ पे नौकरी कर ली है अब बुढ़ापे में वो बताओ आप कहाँ जाएंगे यही रिक्वेस्ट हमने जो है माननीय पहले प्रभारी निदेशक से की इन्होंने हमारी नहीं सुनी माननीय मंत्री जी से की माननीय मुख्यमंत्री जी से की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ
इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। और जो प्रभारी निदेशक है ये यहाँ पे एक भ्रष्ट आदमी है, ये अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार यहाँ पे कर रही है। हम लोग इनको बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं, यहाँ पे किसी भी तरह से हम इन्हें जो है कि कॉलेज से बाहर करवाना चाहते हैं। तो अब स्थानीय जनता सड़कों पे उतर गई है ये समझे? बिल्कुल, आज तो कम आए हैं, देख लो दूसरे दिन से इतनी भीड़ आई है, गांव-गांव से इकट्ठे करके लाएंगे लोगों को। ट्रक भर भर के आज लोग आएंगे, आज तो शुरुआत है, अभी तो ये कम लोग हैं, गांव-गांव से लोगों को लाएंगे मैं इकट्ठे करके। कॉलेज में चल रहा है, यहां पे भाई भतीजा बात चल रहा है हमेशा से, उसके बाद हमारा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी जमीनें दान में दी हैं? आपकी जमीन पे आपको ये सपने दिखाए गए थे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार मिलने के बाद भी हटा दिया, मिलने के बाद भी हमने 12-12 साल नौकरी कर दिया, साल काम करने के बाद पहले नहीं देते रोजगार, पहले नहीं देते रोजगार, पहले भी क्यों नहीं देते, पहले हमारा था या क्यों नहीं देते, पहले देते तो बच्चों को अपने 12 साल नौकरी करने के बाद हमको रोजगार मिला। जब किस उम्र में कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, पढ़ने लिखने वाले किसी किसी के किराए के घर है, कहाँ जाएंगे लोग, मजबूर हो रखे हम धरने पे बैठने के। हमने 8-8 में नौकरी कर रखी है, 8-8 में नौकरी आज के समय में 14-15 हजार लोगों को मिल रहे हैं, आज हम लोगों को बेरोजगार, हमने थोड़ा कहा था कि गाड़ी में नौकरी, जूनियरों की तनख्वाह बढ़ा दी। आपको लग रहा है आप लोगों ने गलती करी अपनी जमीनें देके यहाँ कॉलेज के लिए? हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, गलती तो की, जब गलती नहीं मिला इन लोगों को तो गलती बहुत बड़ी गलती की। गलती ये है कि आप बोला था कि रोजगार मिलेगा परमानेंट, आउटसोर्स तक भी नहीं है उनके लिए, परमानेंट तो दूर की बात है। देखो सर, हम कोई सरकार नौकरी नहीं मांग रहे, हम केवल अपने अधिकार मांग रहे हैं, आउटसोर्सिंग जैसे हम लग रहे थे वैसे हम लगा दी, बस। कितने लोग हैं अभी टोटल जो? 31 लोग हैं, 32 लोग हैं बस, जो हम शुरू से भाग रहे हैं, मतलब 3 साल से। 3 साल से कितने मंथ? ये लोग बोल, इन्होंने बोला इनका जो आउटसोर्सिंग का जो मैटर था, इन्होंने कहा कि हम इनको बीओजी में रखते हैं, इन्होंने बीओजी में आज तक कभी गया ही नहीं, रखने की बात दूर। अब जो इन्होंने जो ये अन्य काम ये अभी दिए हैं, ये बिना टेंडर के या बिना 4 लोग ये मिल के बीओजी में जा रहे हैं, अपने काम करवा रहे, जो ये काम होना था ये अभी तक नहीं हुआ। आप चाहें तो वो चिट्ठी ले लो, गवर्नमेंट का हुक्म है, वो पद सर जी तो गवर्नमेंट करेगी, इसमें वो गवर्नमेंट को दे रखा है, मंत्री जी को दे रखा है, वो हमने बता रखी है, गवर्नमेंट का पास करके हमारे बच्चे रोड पे आ गए थे, कपड़े बनाएंगे, पूंजी फीस के लिए पैसा नहीं हमारे पास, सही बात, हम तो मजबूर हो गए, मजबूर हो गए, सड़क में आ गए हम, आपको दोषी नहीं बता रहे, आपको नहीं बता रहे, आपको नहीं बता रहे, आपको नहीं बता रहे, मैं तो जहर खाने वाली हूं। चिट्ठी मंत्री जी को और गवर्नमेंट को लिखी है हमने, कई बार आप लोगों को दी हमने, इसमें तो गवर्नमेंट करेगी ना, पसंद करेगी, गवर्नमेंट करेगी, आप फिर से काम करवा रहे हैं, विधायक जी से करवा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या करवा देते हैं? अच्छा, आपने सभी काम करा दिए, अगर विधायक जी नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा काम पुलिस की? मुझे बता, विधायक जी को ही हमने दी है ना चिट्ठी, उन्होंने उनके कहने से दी है कि आप चिट्ठी लिख दो, उनको हमने दे रखी है, वो आप उससे ले लो, मेरे पास है। अरे भाई ये बताओ, जो लोग लगे हुए हैं वो मेरे भाई बंद है क्या? एक मिनट, मेरे भाई, मेरा जवाब दो ना, वो मेरे भाई बंद है, आप बता, जो लगे हुए हैं वो मैंने लगा रखे, आपने नहीं लगाया ना, हाँ आपने हटाया, सर आप हमें बताएंगे कि ये जो ग्रामीण यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे आपके एक्स एम्प्लॉयज़ इस कॉलेज के, तो उनकी क्या समस्या है, और आपका पक्ष हमें मालूम हुआ है कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है शासन प्रशासन से ऊपर से या आदेश में, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए प्लीज़। इसमें क्या है कि कोरोना काल में इनको जैसा इनका कहना है इनको हटा दिया गया था, क्योंकि मुझे जो चार्ज मिला है वो सितंबर से चार्ज मिला हुआ है, सितंबर 2021 से, ठीक है, और इसके बाद से जो भी स्थिति है वो हमने अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष रख दी थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के
के द्वारा हमको आदेश मिले हैं कि आप यथास्थिति रखोगे, ना किसी को हटाओगे ना किसी को लगाओगे, ठीक है। और बोर्ड ने ये भी आदेश दिया कि जो अतिरिक्त लोग लगे हुए हैं उनकी पोस्ट सैंक्शन करने के लिए एक प्रस्ताव आप गवर्नमेंट को भेजेंगे, और जब पोस्ट सैंक्शन हो जाएंगे तभी किसी उसको नियमानुसार लगाया जाएगा किसी कर्मचारी को। अच्छा सर, ये जो कॉलेज है हमेशा ही विवादों में रहता है, कभी संदीप के सुपर 50 की वजह से, और कभी ये जो पीआरडी के 31 लोग जिनकी नौकरी 20-20 साल की नौकरी के बाद गई है और बेरोजगार हो गए हैं, तो क्या आप कर रहे हैं इस कॉलेज की छवि को सुधारने के लिए और इन जो स्थानीय बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए जिन्होंने अपनी ज़मीनें यहाँ पर कॉलेज को दी है? देखिए, जो जितनी पोस्ट सैंक्शन है गवर्नमेंट से उस पर लोग काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में, कुछ पोस्ट खाली हैं जो कि जो भी गवर्नमेंट के आदेश होंगे उसके हिसाब से उनको भरा जाना है। और जहां तक छवि सुधारने की बात है वो हम काम कर रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो आपको भी देखने में आ रहा होगा कि काफ़ी दिन से बिल्डिंगों का एक वाइट वाश भी नहीं हुआ था और रोड की कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनमें सुधारीकरण किया हमने। और अन्य जो शैक्षणिक गतिविधियाँ छात्र छात्राओं की उनको भी सुदृढ़ किया है, और बाकी डेवलपमेंट के चौतरफा काम चल रहे हैं। अभी जो जनता यहाँ पे मौजूद थी उनमें कुछ लोग थे जो आपको सीधा सीधा दोषी करार दे रहे थे उनका रोज़गार छीनने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मैंने किसी को नहीं हटाया है, जो पहले से काम कर रहे हैं वो लोग यथास्थिति बनाए हुए हैं। हम लोग जो पहले से काम कर रहे हैं मेरे चार्ज लेने से पहले वो सभी लोग काम कर